हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या पढ़ेंगे? वर्नियर कैलीपर के बारे में। वर्नियर कैलीपर जो आपका इंडस्ट्री में कोई भी कंपोनेंट को मेजर करने के लिए यूज होता है, ठीक है। अगर आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हो, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए माइक्रोन्स क्या है, माइक्रोन क्या है, कितने एमएम में कितने माइक्रोन होते हैं, कितने पॉइंट में कितने माइक्रोन होते हैं। ये पता होगा आपको तो आप ड्राइंग रीड कर लोगे। आप ऑटो कैड कर रहे हो, उसमें आप देखते हो टॉलरेंस दी होती है प्लस माइनस 0.1। वो 0.1 का मतलब क्या है? प्लस माइनस तो समझ गए आप कि ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना है, पर 0.1 क्या है, 0.1 में कितने माइक्रोन है। अब 0.1 आप मशीन पे अगर काम कर रहे हो, ड्राइंग में तो आपको समझ आ गया प्लस माइनस 0.1 करना है, 0.2 करना है, मशीन में प्लस माइनस 0.2 करना है, 0.3 करना है, या किसी इंस्ट्रूमेंट को रीड करना है तो आपको ये पता होना जरूरी है। ये क्या लिखा है? सबसे पहले 0.000 मतलब 0 माइक्रोन, कुछ भी नहीं है ये। फिर 0.001 मतलब 1 माइक्रोन। पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं? 3। 0.001 कितने माइक्रोन की बात हो रही है यहाँ? 1 माइक्रोन। 0.01 अगर पॉइंट के बाद 0.01 आ रहा है, कितने माइक्रोन की बात हो रही है? 10 माइक्रोन की। 0.1 पॉइंट के बाद 1 आ रहा है तो कितने माइक्रोन हो गए? 100 माइक्रोन। 1.1 के बाद पॉइंट आ रहा है, पॉइंट पहले नहीं है 1 से, 1 के बाद है तो कितने माइक्रोन हो गए? 1000 माइक्रोन, मतलब 1000 माइक्रोन, जो बराबर होता है 1 mm के। ये बात समझ गए मेरी? अब अगर कोई लिख के दे दे आपको 0.2 mm तो क्या समझोगे? 200 माइक्रोन। 0.15 mm 150 माइक्रोन। अगर लिख के दे दे वो 1.5 1500 माइक्रोन। 1 मतलब 1000 और 0.5 मतलब 500 माइक्रोन। ये माइक्रोन क्लियर है? अब इंटरव्यू अगर देने जाते हो, कोई भी आपसे पूछ लेगा लीस्ट काउंट, जो तीन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट चलते हैं वर्नियर, माइक्रोमीटर और हाइट गेज, इसमें आपसे वो पूछ लेगा वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट बताओ। लीस्ट काउंट मतलब कम से कम कितना मेजर कर सकता है वर्नियर कैलिपर, कितना मेजर कर सकता है? 0.02 mm मतलब 20 माइक्रोन वो मेजर कर सकता है, 20 माइक्रोन से नीचे नहीं मेजर कर सकता। 20 माइक्रोन से नीचे कौन सा मेजर कर सकता है? डिजिटल वर्नियर। अगर बात हो रही है सिर्फ वर्नियर कैलिपर की तो किसकी बात हो रही है? मैनुअल। मैनुअल वर्नियर कैलिपर कैसा होता है? मैनुअल वर्नियर कैलिपर ऐसा होता है, देख रहे हो, ये कौन सा वर्नियर है? मैनुअल वर्नियर कैलिपर। और डिजिटल की बात हो रही है जिस पे ये मीटर लगा हुआ है आपका, ये रीडिंग आपकी डिजिट्स में आ रही है आपकी, डिजिटल है ना ये? ये कौन सा वर्नियर कैलिपर है? डिजिटल। तो कोई पूछे आपसे मैनुअल कैलिपर का लीस्ट काउंट बताओ तो कितना बोलोगे? 0.02 mm, समझ गए मेरी बात, मतलब 20 माइक्रोन। डिजिटल वर्नियर का 0.01 mm मतलब 10 माइक्रोन। वो पूछे माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट कितना है? 0.01 mm 0.01 mm मतलब 10 माइक्रोन। वो पूछे डिजिटल माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट कितना है? डिजिटल माइक्रोमीटर का है 0.001 mm मतलब 1 माइक्रोन कम से कम। कोई पूछ ले कि माइक्रोमीटर कम से कम कितना मेजर कर सकता है? 1 माइक्रोन तक, समझ गए मेरी बात। हाइट गेज वर्नियर कैलिपर की तरह सेम होता है। हाइट गेज में कितना दे रखा है मैनुअल हाइट गेज का? 0.02 mm 20 माइक्रोन। और डिजिटल हाइट गेज का कितना दे रखा है? 0.01 mm 0.01 mm मतलब 10 माइक्रोन डिजिटल का और 20 माइक्रोन। क्लियर है इतना? वर्नियर कैलिपर के बारे में अभी आपको बताया इसके बारे में। ये कौन सा वर्नियर कैलिपर है? मैनुअल वर्नियर कैलिपर। और ये वाला कौन सा वर्नियर कैलिपर है? डिजिटल वर्नियर कैलिपर। इस पे आपकी रीडिंग्स आएंगी, इस पे आपको खुद रीड करना पड़ेगा कि क्या रीडिंग आ रही है। ये वर्नियर कैलिपर आपको दिख रहा है सबको? इन्हें बोलते हैं जॉज। क्या बोलते हैं? जॉज। ये फिक्स जॉज हैं, ये मूवेबल जॉज है। ये फिक्स जॉज है, ये जो नीचे वाले जॉज हैं ये एक्सटर्नल मतलब ओडी को मेजर करने के लिए यूज होते हैं। किस लिए यूज होते हैं? ओडी। ओडी मतलब आउटर डायमीटर को मेजर करने के लिए यूज होते हैं। और ये वाले इंटरनल जॉज हैं,
आईडी को मेजर करने के लिए, मतलब इंटरनल आईडी, इंटरनल डायमीटर को मेजर करने के लिए यूज होते हैं। इतनी बात क्लियर आपको? ये वाले फिक्स जॉज, ये मूवेबल जॉज, ये एक्सटर्नल जॉज, ये इंटरनल जॉज। ये जो ये स्क्रीन कह रहा हूँ, ये जो यहाँ पे स्केल दे रखा है आपको, ये होता है मेन स्केल। ये कौन सा स्केल होता है? मेन स्केल। जो मूवेबल पे है, जो मूवेबल जॉज पे स्केल है आपका, उसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। कौन सा स्केल बोलते हैं? मतलब ये वाला जो स्केल है इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। जो ये फिक्स स्केल है यहाँ पे, इसको बोलते हैं मेन स्केल। ये ऊपर लॉकिंग स्क्रू दे रखे हैं। ये कौन से स्क्रू है? लॉकिंग स्क्रू। कोई बड़ी चीज को आप मेजर कर रहे हो, ऐसे खोला और लॉक करा, फिर आप रीडिंग आराम से रीड कर सकते हो। क्लियर है? ये वाला जो दे रखा है, ये थंब स्क्रू है, मतलब इसकी हेल्प से मैं इसको चलाता हूं ऐसे। ये नीचे जो दे रखा है, निकल रही है स्ट्रिप, इसको बोलते हैं डेप्थ मेजर करने के लिए। क्या यूज करते हैं इसका? डेप्थ मेजर करने के लिए। मैं अभी आपको इसका यूज दिखाता हूं कैसे यूज होता है। देखो, ये कोई कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट दिख रहा है आपको, मेरे को इसकी ओडी मेजर करनी है। ये कैसे यूज करोगे इसको? क्लियर है? ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना, बिल्कुल नॉर्मल फ्री। यहां पे ये टच करा और ये यहां टच करा। क्लियर है? आईडी मेजर करनी है तो ये आईडी मेजर कर सकते हो ऐसे। आईडी मतलब इंटरनल डायर। ये लेंथ मेजर करनी है तो ऐसे मेजर कर सकते हो। इसकी डेप्थ मेजर करनी है, ये क्लियर हो रहा है? ऐसे आप डेप्थ मेजर कर सकते हो। फिर यहां रीडिंग देख लो, ये थंब स्क्रू है। इसको चलाना कैसे है वो समझ गए, कैसे इसको पकड़ना है वो समझ गए। अभी इसको रीड कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। यहां पे मैंने मेन स्केल ड्रॉ कर दिया, यहां वर्नियर स्केल ड्रॉ कर दिया। क्लियर हो रहा सबको? ये कह रहा है मतलब यहां पे जो वैल्यू है वो जीरो है। क्या वैल्यू है? नेक्स्ट डिवीजन जो दे रखी है, इसका गैप कितना है? 1 mm। इस डिवीजन से इस डिवीजन का गैप कितना है? क्लियर है? यहां तक 1 mm, यहां तक, यहां तक, यहां तक, यहां पे ये 7, 8, 9, 10। ये 1 नहीं है, ये कितना एम एम है? 10 mm। समझ गए मेरी बात? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, यहां पे कितना एम एम है? ऐसी वर्नियर स्केल को अगर देखोगे तो जीरो से नेक्स्ट डिवीजन का जो गैप है वो होता है 0.02 mm। कितना गैप है? 0.02 mm, मतलब 20 माइक्रोन। कितना माइक्रोन? 0.02 mm। यहां से यहां 20, यहां पे 60, 80, 100। इसको बोलते हो 0.1 mm। क्या बोलते हो? मतलब 100 माइक्रोन्स। ये कितना हो जाएगा? 0.2 mm, मतलब 200 माइक्रोन्स। मेरी बात समझ गए? अभी जब आप वर्नियर कैलिपर को उठाते हो, दिख रहा है ये? अब ये बंद है, मतलब कितने mm खुला हुआ है? 0 mm। कितने mm खुला हुआ है? 0 mm। मतलब जो मेन स्केल का जीरो है, जो ये मेन स्केल का जीरो है, वो वर्नियर स्केल के जीरो की एक ही एक्सिस में आ रहा है। ये बात समझ गए? दिख रहा है यहां पे? जो ये मेन स्केल का जीरो है ना, वो वर्नियर स्केल के जीरो से मैच कर रहा है जब ये बंद है ऐसे। कितना एमएम खुला हुआ है? 0 mm। सबसे पहला काम है, जब भी आप इस वर्नियर को खोलोगे ऐसे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाओगे या कहीं भी ये खुलेगा ऐसे, जिस भी लाइन से ऊपर मेन स्केल की लाइन से वर्नियर स्केल की लाइन का जीरो मैच कर गया, उतने एमएम खुल गया। जैसे सपोज मैंने इसको खोला, जब इसको चलाया, ये इससे मैच कर गया ऐसे जीरो। ये कौन सा स्केल है? वर्नियर स्केल का जीरो है। जब मैंने इसको चलाया, अभी पहले ऐसे मिल रहा था ना,
तो 0 mm. जब ये चलना शुरू हुआ तो यहाँ पे मिल गया, इससे आके कितने mm खुल गया ये, समझ गए इतनी बात। सबसे पहला काम जीरो देखना, जीरो जहां मिल गया काम वहीं खत्म। कितने mm खुल गया? 9 mm. अगर बाय चांस जीरो नहीं मिला, वो ऐसे आ गया, अगर जीरो नहीं मिला किसी से, 9 और 10 के बीच में आ गया, तो 9 और 10 के बीच में क्या आता है? 9.1 भी आता है, 9.2 भी आता है, 9.3 भी आता है, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9। अब क्या मानोगे? अगर ये पूरा 9 से मिल गया था तो 9 mm मान लिया, 10 से मिल जाता तो 10 mm मान लिया, काम वहीं खत्म हो जाता, उतने mm सीधा राउंड फिगर। अभी वो ना 9 पे मिला है ना 10 पे मिला है, 9 से चल चुका है और 10 से पीछे है, तो क्या चेक करोगे? ये पॉइंट वाली बताइए आपको, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। अगर ये जीरो नहीं मिल रहा, ये 3 मिल गया किसी भी एक से, ये 3 मिल गया किसी भी एक से, कितना खुल गया? 9.3 mm। मतलब जब भी वर्नियर कैलीपर उठाओ, मैनुअल वाला, उसको पढ़ना है, सबसे पहले जीरो देख लो, जीरो जिससे मिल गया पूरा पूरा, जैसे अभी दिखाया था ऐसे पूरा पूरा मिल गया, काम वहीं खत्म आपका, उतने एमएम खुल गया। अभी यहाँ आइडिया लग गया हमें, 9 mm से आगे और 10 mm से, मतलब 9 mm भी नहीं है और 10 mm भी नहीं है, 9.1, 2, 3 क्या है, ये 3 वाली मिल गई, कोई एक मिलेगी, जीरो मिलेगी, जीरो नहीं मिली तो इनमें से कोई मिलेगी, समझे मेरी बात? आपने तो कोई दो मिलेंगी नहीं, एक ही मिलेगी, जीरो मिल गई, काम वहीं खत्म। जीरो नहीं मिली किसी के बीच में है तो फिर पॉइंट्स में देखोगे, अगर ये भी ना मिलती, अगर ये भी ना मिलती, मिलती सपोज ये वाली मिल जाती, ये पता चल गया 9 से आ गया, 9 पॉइंट, ये पता चल गया 3 से आ गया, 20 और 20, 9.34 mm। इतना माइक्रोन में कोई नहीं जाता, ज्यादा डीप जाना तो फिर डिजिटल वाला वर्नियर उठाते हैं, मेरी बात समझ गए? तो कुल मिला के आपको ये बात याद रखनी है, सबसे पहले क्या चेक करना है, जीरो किसी से मिल गया, काम वहीं खत्म, नहीं मिला जिसके बीच में मिल रहा है, उसके बाद ये पॉइंट वाली चेक करो, पॉइंट वाली भी नहीं मिल रही, पॉइंट वाले के बीच में तो कोई मिल रही होगी, समझ गए? जीरो जहां मिल जाता तो 9 mm, नहीं मिला 0.3 वाली मिली तो 0.3 mm, 0.3 वाली नहीं मिली तो फिर ये वाली चेक करी, अब क्या लगाया? 9.340 mm, समझ गए मेरी बात? कर लोगे, रीड कर लोगे? इस वीडियो में आप देख रहे हैं बच्चे वर्नियर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो इनको वर्नियर हमने रीड करना सिखाया कि मैनुअल वर्नियर कैसे रीड करते हैं, ये यहाँ पे अब देखो इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई ओडी मेज़र करेगा, कोई आईडी मेज़र करेगा, कोई लेंथ मेज़र करेगा, फिर इनके बाद इनकी माइक्रोमीटर की क्लास होगी, वो भी वीडियो हम जल्दी पोस्ट करेंगे। और कोई भी आपको क्वेरी है कैड से रिलेटेड, कैम से रिलेटेड, आप RVM कैड के नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन पर अपनी क्वेरीज, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं कॉल करके।